हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको 7 सितंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है आईएलटीएस का, तो उसका रिव्यू कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कि मैं जब सोच रहा था कि किसी ने डाला है कि नहीं इसका रिव्यू, लेकिन मैंने देखा कुछ बंदों ने उसका रिव्यू करके डाला है। बट उसमें क्या है, जो भी आप रिव्यू करते हो तो उसको डिटेल्स में आपको बताना पड़ता है, जो भी स्टूडेंट है अदरवाइज जो कैंडिडेट है उनको, तो उनको अच्छे से पता चलता है। क्योंकि जो मैंने देखा है दो तीन चैनल अभी जो दो तीन वीडियो भी अपलोड किए थे इससे पहले, तो उसमें कुछ नहीं था कि ऐसा लिखा था रीडिंग इज वॉज मॉडरेट, पैसेज वॉज मॉडरेट, पैसेज टू वॉज टॉप, नॉट लाइक दैट। आई थिंक सो यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई द ईच टाइप ऑफ पैसेज एंड गिव सम राइट आंसर टू कैंडिडेट टू वॉट एक्चुअली आस्क इन दी टूडेज एग्जाम, राइट? सो बिफोर द स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन और कंपेयर करेंगे हम जो हम मैंने आपको फाइनल प्रिडिक्शन दिया था उसमें से कितने परसेंट सही आया। तो पहला है जो हम बात करेंगे लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग सेक्शन वन में जो आया था ब्लैंक्स आई थी वन वर्ड और नंबर, देन सेक्शन टू वाज एमसीक्यू प्लस सिलेक्ट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है जो मैं बार बार बताता हूँ आपको कि नीचे जो भी आता है लिस्ट ऑफ लिस्ट दिए होते हैं और ऊपर बॉक्स में लिस्ट दिए होते हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैच करनी है। देन सेक्शन थ्री वॉज एमसीक्यू एंड सेक्शन फोर वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जो मैंने बताया था कि जो प्रिडिक्शन था 7 सितंबर फॉर लिस्टिंग, इट कुड बी 100% करेक्ट। एंड मैं कहना चाहूँगा जो मैंने बताया था कि ओवरऑल इजी रहेगा, बट दिस टाइम ऑडियो लिटल बिट फास्ट। सो सम स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया और हमें थोड़ा पता नहीं चला कि लास्ट सेक्शन में क्या आता था। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्शन थ्री या सेक्शन फोर में थोड़ा ऑडियो ऐसा लगता है आपको फास्ट कर दिया हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो बात करते हो कोई भी टॉपिक पे तो वो बहुत खींचते हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है। तो चलो हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में आया था, सॉरी जो मैंने ये टॉपिक, एक मिनट मैं सरक कर देता हूँ। तो ये था हमारा पैसेज वन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्लस ब्लैंक्स मैसेज, पैसेज टू में था फिलिंग ब्लैंक्स प्लस मैच द नेम, मीन्स जो हमारे टाइटल ऑथर आते हैं स्पॉट नेम आते हैं कोई भी ऑथर के नाम होते हैं उनको आपको मैच करना था। देन पैसेज थ्री हेडिंग ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू। जो मैं ये आपको बता रहा हूँ रीडिंग में क्या क्या आया था वो मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ और मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी है कुछ बच्चे के गलती हो जाती है कि सपोज पैसेज टू का उसने पैसेज थ्री में बोला हो, पैसेज थ्री का पैसेज टू में भी बोला हो, लेकिन ये जो ओवरऑल टाइप के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे आज की एग्जाम में और जो ओवरऑल रीडिंग था वो मॉडरेट था। अब बात करते हैं हम राइटिंग टास्क वन की, तो वो था टेबल और उसमें टेबल में जो था कोई वैल्यू वो थी एम्प्लॉयमेंट्स पैटर्न की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होता है तो उसकी पैटर्न्स क्या होती है। तो ये था टेबल वन टास्क वन के अंदर। और जो आज का टॉपिक था राइटिंग टास्क टू दैट बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैनी कंपनी स्पॉन्सर स्पॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट देम सेल्फ, सम से इट इज गोइंग फॉर द स्पॉट वर्ल्ड वाइड वेयर एज थिंक इट हैज डिसएडवांटेजेस। सो यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन इन राइटिंग टास्क टू। तो ये जो मैंने ओवरऑल आपको बताया कि आज 7 सितंबर को जो आईएलटीएस एग्जाम हुई थी ब्रिटिश काउंसिल एज वेल एज द आईडीपी, तो ये था मेरा डिटेल्स रिव्यू। अगर मैं ट्राई करता हूँ कि जो मुझे इसके आंसर मिल जाते हैं सो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू एज अर्ली एज पॉसिबल। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं डोंट नर्वस फॉर द नेक्स्ट 12 सितंबर एग्जाम, बिकॉज कल मैं आपको प्रिडिक्ट करके जो भी है मेरा फाइनल प्रिडिक्शन होता है हर एग्जाम रिव्यू के बाद, तो आप जरूर देख लीजिएगा। इट वुड बी 110% वुड बी बेनिफिटेड टू यू, बिकॉज जो मेरा एनालिसिस रहता है हर बार, जो लास्ट टाइम रहा था मेरा 100% रहा था और इस बार है 90% करेक्ट था जो मैंने प्रिडिक्शन किया था उसके बेस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।